तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थिंग ऑफ प्लेट्स। तो इतना ध्यान रखेंगे, जब भी मैं किसी भी प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर देता हूँ तो क्या होगा कि उस प्लेट से अर्थ की तरफ चार्ज ट्रांसफ़र करेगा, या अर्थ से उस प्लेट की तरफ चार्ज ट्रांसफ़र करेगा। वो चार्ज का ट्रांसफ़र तब तक होता है जब तक कि अर्थ का पोटेंशियल और इस प्लेट का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो लिखिए, व्हेन अ प्लेट या ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड विद अर्थ, देन चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम अर्थ टू प्लेट और प्लेट टू अर्थ अंटिल पोटेंशियल ऑफ प्लेट एंड अर्थ बिकम्स इक्वल। फॉर रेफरेंस वी अज्यूम पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो, हैंस पोटेंशियल ऑफ प्लेट विल बी जीरो एट इक्विलिब्रियम एंड दिस प्रोसेस टेक 10^-8 सेकेंड टू गेट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी किसी प्लेट को आप अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो अर्थ से प्लेट की तरफ या प्लेट से अर्थ की तरफ चार्ज का ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर तब तक होता है जब तक इस प्लेट और इस अर्थ का पोटेंशियल आपस में इक्वल ना हो जाए। और रिफरेंस की तरफ से अर्थ का पोटेंशियल जीरो माना जाता है, तो इस प्लेट का पोटेंशियल भी क्या होता है, जीरो। और अर्थ एक कंडक्टर की तरह से बिहेवियर शो करता है जिससे, और इसके ऊपर चार्जेस होते हैं। अर्थ में इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, या मेटल से इलेक्ट्रॉन अंदर जा सकता है, कहाँ, अर्थ के पास। ठीक है, जिसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। तो अब मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में कि इसको कनेक्ट कर दिया, ये स्विच था, ये अर्थ से, देखिए ये स्विच है और ये अर्थ से आने वाला वायर है, अब देखिए ओपन है। जब मैं इसको इस पे लगाऊंगा तो कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया तो चार्ज का ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। अब विद इन 10^-8 सेकेंड इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा और इसका पोटेंशियल जीरो करेगा, रिपीट कर रहा हूँ, पोटेंशियल जीरो करेगा या पोटेंशियल इक्वलाइज करेगा एज अर्थ। सिर्फ इसका, इसका नहीं, क्यों, कनेक्टेड ये है ना, तो इसका कैसे कर सकता है। ठीक है, तो अब पैरल प्लेट के अंदर एक खासियत होती है, इस पोटेंशियल को जीरो करें, दैट्स गुड, बट ये पूरा का पूरा सिस्टम अपने आप के चार्जेस को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है कि सिस्टम की एनर्जी एज पॉसिबल मिनिमम हो जाए। और इस एनर्जी को मिनिमाइज करने के चक्कर में जो आउटर मोस्ट सर्फेसेस है, जैसे कि आउटर मोस्ट, इस पूरे सिस्टम का आउटर मोस्ट सर्फेस एक ये है और एक ये है, एकदम इधर का आउटर और इधर का आउटर, आउटर मोस्ट सर्फेसेस, उसका चार्ज जीरो कर देता है, ये अंडरलाइन है। ठीक है, या इसका चार्ज इतना कम करता है कि बाहर के रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो जाए, जिससे इस रीजन में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर ना हो, सिर्फ इसी रीजन्स में हो, और ये रीजन इतना स्मॉल वॉल्यूम का होता है कि एनर्जी बहुत कम होती है। ओके, तो दूसरा इसका प्रूफ भी होता है, बट अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, बताता हूँ, राइट डाउन लिखिए इन पूरा एक एक लाइन अंडरलाइन। इफ अर्थिंग इज मेड एट एनी प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, द चार्ज ऑफ आउटर मोस्ट सर्फेसेस बिकम्स जीरो एज एनर्जी ऑफ सिस्टम बिकम्स मिनिमम एज पॉसिबल। लाइन समझाता हूं, मैंने कहा कि इन तीनों में से किसी की भी मैं अर्थिंग करूं, किसी की अंडरलाइन है, इस तीनों में से किसी की भी मैं अर्थिंग कर दूं, जो आउटर मोस्ट सरफेस है उसका चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये नहीं कि सर इसी करेंगे, देखना इसको अर्थिंग करो, इसको करो, किसी को भी कर दो, एक अर्थिंग करो, दो अर्थिंग करो, तीन अर्थिंग करो, कुछ भी कर दो, आउटर मोस्ट का क्या होना है, चार्ज जीरो ही होना है। चलिए, तो अगर ये प्रॉपर्टी हमें याद है तो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया कि क्यू नॉट चार्ज, ये 2Q0 चार्ज है, 7Q0 चार्ज है, ये स्विच ओपन है। तो स्विच ओपन होने के पहले ये चार्जेस हैं, कह रहा है व्हेन स्विच इज क्लोज्ड फाइंड ए पार्ट
चार्ज ऑफ लेफ्ट सरफेस ऑफ मिडिल प्लेट एंड बी पार्ट है चार्ज फ्लो थ्रू अर्थ, चार्ज फ्लो टू अर्थ, अर्थ को कितना चार्ज फ्लो होगा, ये क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करता हूँ। एक और चीज, जब इसको आप अर्थिंग करेंगे तो इधर से इधर चार्ज का फ्लो करेगा, तो इस प्लेट पे कितना चार्ज रह जाएगा ये आइडिया नहीं है ना भाई। पहले तो टू क्यू नॉट चार्ज, भाई कुछ चार्ज चला गया या कुछ चार्ज आ गया तो ये टू क्यू नॉट बदल जाएगा ना कि वही रहेगा, अरे बदल जाएगा, तो बदल के कितना हो गया नहीं पता, अपने मन से कुछ भी मान लो। तो अगर ये 2q0 चार्ज था इस प्लेट पे, इस प्लेट पे पहले 2q0 चार्ज था, मैं इधर लिख दिया, तो बाद में यहाँ पे q चार्ज हो गया, टोटल q चार्ज हो गया। ये तुम्हारे पास 5 रुपया है और कहीं से आ गया पैसे या कहीं चला गया कुछ पैसा, तो बाद में जो बचा है जब तक पता नहीं चला कितना गया तब तक क्या मानोगे, वेरिएबल मानोगे ना, मान लिया q, क्योंकि अर्थ से चार्ज जा भी सकता है अर्थ से आ भी सकता है, तो कितना आया या कितना गया नहीं पता, अपने मन से क्यों मान लिया, क्यों मान लिया कि फाइनल चार्जेस क्यों। अब देखिए जो प्रॉपर्टीज थी वो ये थी कि आउटर सरफेस का चार्ज जीरो हो जाता है, तो इसको लिख लो जीरो, इसको भी लिख लो जीरो, अर्थिंग प्रॉपर्टी लिख लिया जीरो। ये तो प्लेट आइसोलेटेड है, अगर ये प्लेट आइसोलेटेड है तो इसका चार्ज तो अर्थ में नहीं गया, अर्थिंग कर रहे हो बीच वाले को तो क्या इधर वाले से चार्ज निकल के चला जाएगा, अर्थिंग तुम इसको की हो तो इससे चार्ज इसमें जाएगा और इससे इसमें आएगा, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, तो इससे नहीं निकलेगा क्योंकि ये अर्थिंग थोड़ी हुई है, तो यहाँ का चार्ज जीरो हो गया, इस पर टोटल क्यू नॉट था तो क्यू नॉट इधर आ जाएगा ना, ये टोटल तो क्यू नॉट ही रहेगा जब इस पर तुम जीरो बोल रहे हो बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी, तो इधर क्या आएगा क्यू नॉट, तो इधर कितना आएगा माइनस क्यू नॉट आएगा। सिमिलरली अगर ये जीरो है, ये सेवन क्यू नॉट है टोटल, ये आइसोलेटेड है तो यहाँ क्या आएगा सेवन क्यू नॉट, तो यहाँ क्या आएगा माइनस सेवन क्यू नॉट आएगा। इसका मतलब इस प्लेट पे जब फाइनल चार्ज है क्यू, वो क्यू की वैल्यू तुम सोल्यूशन में क्या लिखोगे, क्यू की वैल्यू जब फाइनल आएगी इट इज माइनस एट क्यू नॉट, भाई ये माइनस सेवन क्यू नॉट है माइनस क्यू नॉट, तो जो क्यू है वो टोटल कितना हो गया, टोटल ये क्यू यही तो टोटल है या इधर और इधर के मिला के वो इतना हो गया। ए पार्ट चार्ज ऑफ द लेफ्ट सरफेस ऑफ मिडिल प्लेट, इस मिडिल प्लेट के लेफ्ट साइड में कितना चार्ज है, तो ये है तो आंसर इज माइनस क्यू नॉट, तो इसका आंसर हो गया माइनस क्यू नॉट। अब कह रहा है कि चार्ज कितना फ्लो कर गया यहाँ से आता है अर्थ की तरफ, कितना फ्लो कर गया अर्थ की तरफ, कितना फ्लो कर गया, तो अर्थ की तरफ फ्लो किया तो कैसे पता चलेगा, अर्थ की तरफ कितना चार्ज फ्लो किया कैसे पता चलेगा, तो ऐसे चलेगा कि इस पे इनिशियली कितना चार्ज था टू क्यू नॉट और फाइनली इस पे कितना बचा हुआ, इनिशियल से फाइनल घटाओगे वही तो गया प्लेट से अर्थ की तरफ, जैसे कहोगे तुम्हारे पास 10 रुपया है और बाद में 2 रुपया बचा, कितना चला गया 8 रुपया, कैसे आया, इनिशियल 10 था और बाद में क्या था 2 था, तो इनिशियल से फाइनल घटाओ कितना गया, इसके लिए इनिशियल से फाइनल घटाते हैं, कितना आया फाइनल से इनिशियल घटाते हैं। तो पता करना था कि चार्ज फ्लो टू अर्थ, अर्थ को कितना चार्ज फ्लो कर गया, तो इस प्लेट पे इस प्लेट से कितना गया, इस प्लेट पे इनिशियल कितना चार्ज था टू क्यू नॉट माइनस, इस प्लेट पे फाइनली कितना चार्ज है माइनस एट क्यू नॉट, तो माइनस एट क्यू नॉट घटा दो तो दिस इज द चार्ज फ्लो, घटाएंगे कितना आएगा टेन क्यू नॉट। इसका मतलब है कि इस प्लेट पे पहले 2q0 का चार्ज था तो इससे 10q0 चार्ज निकल गया धरती को चला गया, तो इसके ऊपर कितना बच गया, इनिशियल कितना था 2q0 माइनस, फाइनली क्या बचा माइनस 8q0 घटा दिया तो कितना आएगा 8 10 10q0 चला गया इससे, तो सही बात है। अगर मान लो तुम्हारे पास 2 रुपया है 10 रुपया चला गया तो माइनस 8 बचा, तो माइनस एट तो आइए माइनस सात और माइनस वन, समझ में आया कुछ। तो अर्थिंग ऑफ द प्लेट मैंने आपको बताया, किसी भी प्लेट की मैं अर्थिंग करूंगा आप क्या करोगे, आउटर मोस्ट सरफेस का चार्ज जीरो कर दोगे, उसके बाद आइसोलेटेड प्लेट के चार्ज कंजर्वेशन के सहायता से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, और जिसको अर्थिंग किए वहाँ का टोटल चार्ज निकाल लेना, इनिशियल निकाल लेना कितना है पता चल जाएगा, कितना फ्लो कर गया, किसी सरफेस से कितना चार्ज है पता चल गया। अच्छा कोई कहे कि इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताए, इस पॉइंट पी पे तो ई पी की वैल्यू क्या होगी, फिर कंडक्टर है
कंडक्टर का हेल्प, जस्ट बगल का चार्ज क्या है 7 Q0, क्या लिखेंगे 7 Q0 अपॉन ये एप्सिलॉन आंसर। और ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, कौन सर ये निगेटिव, कोई बात नहीं इधर देगा, ठीक, गॉट इट, ओके।